वाइन को हम 6 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ द प्री हिस्ट्री, 7000 साल पहले की सारी की सारी स्टोरीज इसके अंदर आ जाती हैं। नंबर 2 पे है अर्ली हिस्ट्री, 5000 से 7000 सालों के बीच में। देन नंबर 3 वी हैव द एंटिक्विटी, 3000 टू 5000 ईयर्स के बीच में जो चेंजेस आए हैं। देन नंबर 4 वी हैव द मिडिवल यूरोप, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिडिल एजेस, ये है 1000 ईयर्स अगो। एंड देन वी हैव आवर मॉडर्न हिस्ट्री, 19th एंड 20th सेंचुरी। देन वी टॉक अबाउट द न्यू इरा, दैट इज़ लास्ट 50 ईयर्स में जितने भी चेंजेस आए हैं। तो बात कर लेते हैं नंबर 1 प्री हिस्ट्री। तो आप जितनी भी कहानियाँ सुनते हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, दैट क्वीन शी ईटन अ रोटन ग्रेप्स एंड देन शी फेल्ट स्लीपी, और एन एप स्टार्ट ईटिंग द प्लम्स विच वॉज रोटन एंड ही हैड अ गुड टाइम। तो ये सारी स्टोरीज हैं, दीज स्टोरीज बीइंग स्टोरीज, देयर इज नो एविडेंस अबाउट दीज स्टोरीज, सो वी कैनॉट कॉल देम हिस्ट्री। The real history start from 5000 to 7000 years ago in the which is called the early history. So these sites jinke evidence the have been found between Eastern Europe and the Middle East. So next to Iran, Iraq and towards the Eastern Europe. Inke beech mein jo sites mile hain jaise ki Georgia and Armenia, main do sites the jahan pe vineyards mile hain aur jahan pe wine making practices ke evidence mile hain. So on the basis of evidence we can say ke pehli baar hame jo साइट्स मिली हैं, दैट वर दी जॉर्जिया एंड अर्मेनिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ दी एंटिक्विटी नंबर 3 बिटवीन 3000 टू 5000 ईयर्स अगो। तो ग्रीक्स और रोमन्स, इनका ये दो एथनिक ग्रुप हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा वाइन को आज जिस कंडीशन में है, आज जिस स्टेट पे है वाइन्स, उसको पहुँचाने में जिनका योगदान रहा है। तो ग्रीक्स ने सबसे पहले ये प्लांट्स लगाना शुरू किया था ऑन अ लार्जर स्केल, तो अच्छी लोकेशंस के ऊपर उन्होंने जो है वो वाइन प्लांट्स लगाए और वाइन उगानी शुरू करी, और उसके बाद में वाइन बनाकर उसको एक्सपोर्ट भी करनी शुरू करी ऑल अराउंड द मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में, यूरोप में जो कंट्रीज़ थी उनको थोड़ा थोड़ा उन्होंने एक्सपोर्टिंग करनी भी शुरू की। आफ्टर दैट रोमन एम्पायर जो है आ गया, रोमन एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने पूरा का पूरा यूरोप के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, कंकर कर लिया था। उसके बाद में उन्होंने जो दे यूज़ टू लव द वाइन, तो उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उनकी मेन इंडस्ट्रीज ऑलिव ऑयल एंड वाइन, उसकी प्रैक्टिसेस उन्होंने सभी जगह शुरू करी। प्राइम लोकेशंस जो यूरोप में जो आज हम देखते हैं, फ्रांस की, इटली की, जो मेन रीजन्स हैं, दैट इज सेटअप बाई दी रोमन्स। देन आफ्टर दैट वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द मेडिवल यूरोप, दैट इज़ मिडिल एजेस अबाउट 1000 ईयर्स अगो। सो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद में कुछ टाइम के लिए चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। एंड देन चर्चेज टुक ओवर द वाइन, तो वाइन जो है वो डिफाइन होने लगी चर्चेज के बेस पे, और चर्च जो थे और उनके मेम्बर्स थे, उनका मेन काम तो क्रॉप प्रोडक्शन था, और जो ग्रेप वाइन है दैट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दैट टाइम, तो दे यूज़ टू टेक केयर ऑफ दीज क्रॉप्स। और उनके टाइम में काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए, जैसे कि रीजलिंग जो जर्मनी का फेमस ग्रेप है आज, दैट इज़ बीन प्लांटेड बाई दीज चर्चेज। एंड जो शैम्पेन हम आज पीते हैं, जो शैम्पेन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फेमस है, दैट यूज़ टू बी अ स्टिल रेड वाइन। सो इन दैट मेडिवल मिडिल एजेस टाइम इसको चेंज करके उन्होंने प्रैक्टिस करके दे हैव मेड दी शैम्पेन, विच इज़ अ बिग एफर्ट इन दैट टाइम। और चर्चेज में दे यूज़ टू नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो एवरी थिंग दे स्टार्ट रिकॉर्डिंग टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट वॉज द एडवांटेज एट दैट टाइम। आफ्टर दैट वी गो टू द मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि 19th एंड 20th सेंचुरी में है। 19th एंड 20th सेंचुरी में आफ्टर द इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, जो हम चीज़ों को बड़े स्केल पे बनाना शुरू कर दिया था, हम वी हैव फिगर्ड आउट कि कैसे हम किसी भी चीज़ को बड़ी मशीन से और बड़े इक्विपमेंट से हम बड़े लेवल पे कैसे बनाएंगे, बिग फर्मेंटेशन टैंक्स, बिग मशीन्स ऑफ क्रशिंग एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव फिगर्ड आउट। बट अराउंड 1860 जो है चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई आफ्टर दी फिलेक्सोरा, एक जो इंसेक्ट था, इट हैज स्टार्ट रूनिंग द एंटायर यूरोप विनियार्ड्स, जो यूरोप के विनियार्ड्स थे उनके ऊपर ये एक इंसेक्ट था नेटिव अमेरिकन, जिसने कि जो रूट के ऊपर फीड करता था और पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर देता था। देयर वॉज नो क्योर एट दैट टाइम,
बट लेटर ऑन दे फाइंड आउट दैट अगर वो अमेरिकन रूट स्टॉक के ऊपर यूरोपियन स्पीशीज को ग्राफ्ट करेंगे, सो आफ्टर सम टाइम दिस प्रॉब्लम वॉज नॉट अकरिंग. सो एट दैट टाइम देर वॉज अ बिग चेंज. जो आज रीजन्स हैं दे कुड इंटेंशनली सेलेक्ट देयर ग्रेप वेराइटी के उनके रीजन के लिए कौन सा ग्रेप वेराइटी बेस्ट है. दैट टाइम दैट वॉज द टाइम वैन दे सेलेक्टेड ऑल दीज थिंग्स. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ. सो फॉर लास्ट 50 ईयर्स इन वाइन इंडस्ट्री वट हैपन्ड इज earlier the only old world wine were famous like French wine, Italian wines. They had the prominent impact on the wine industry. So after that wine education started, slowly people start learning, so it has become an education. And after that we have got so many critics, worldwide famous critics like Robert Parker. Robert Parker has given a point system to the wines, so he will blind taste the wine or he will give the ranking system, so from 1 to 900. So the basically the good wine fall under 85 to 100 category. So they have taste these wines irrelevant of the region. बिना ये देखे कि ये फ्रांस से है या ऑस्ट्रेलिया से है या न्यूजीलैंड से है, तो उन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी कंसंट्रेशन दी दैट दे हैव गिवन टू द टेस्ट ऑफ द वाइन. सो देन वी फाउंड दैट न्यू वर्ल्ड वाइन कंट्री इज ऑल्सो गॉट फेमस. सो लास्ट 50 ईयर्स ये जो एक भ्रम था वो चला गया कि सिर्फ ओल्ड वर्ल्ड वाइन कंट्रीज वाइन्स आर गुड, सिर्फ यूरोपियन वाइन्स आर गुड. अगर फ्रेंच है तो अच्छी है, ऑस्ट्रेलियन है तो अच्छी नहीं है, न्यूजीलैंड की है तो अच्छी नहीं है, अमेरिकन है तो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है. तो आफ्टर दैट सभी वाइन्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलने लगा. सो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ वाइन फ्रॉम स्टोन एज टिल नाउ. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम गोइंग टू मेक द फुल सीरीज ऑफ द बेवरेज नॉलेज and beverage education. So next time if somebody asks you, don't give them the story that the wine is discovered from the queen eaten rotten grapes. Thank you so much for listening.